Do subscribe our YouTube channel by clicking on the red subscribe button and also click on the bell icon to get notification of our latest videos. Hello friends, welcome to my channel. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू गिव पब्लिक स्पीच कैसे देते हैं. फ्रेंड्स, स्पीचेस भी कई तरह की होती हैं, पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इम्पॉर्टेंस ऑफ समथिंग पे स्पीच कैसे देते हैं. तो जैसे इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, इम्पॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया, इम्पॉर्टेंस ऑफ मोबाइल और इम्पॉर्टेंस ऑफ एनीथिंग. तो इस वीडियो में टॉपिक कैटेगरी है इम्पॉर्टेंस ऑफ समथिंग, और मैंने एग्जांपल लिया है इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर. इस वीडियो में बाद में आपको एग्जांपल मिलेगा इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर का. मैंने टॉपिक ये सिलेक्ट किया है, आपका जो भी टॉपिक है आप उसके अकॉर्डिंग इस वीडियो से अपनी स्पीच बना सकते हैं. तो चलिए देखते हैं पहला स्टेप क्या है, स्पीच बोलने का पहला स्टेप क्या है. सो फर्स्ट स्टेप इज क्रिएटिंग सस्पेंस अबाउट द टॉपिक. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो स्टेप है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. जैसे कुछ लोग होते हैं स्टेज पे आते हैं स्पीच बोलने के लिए और एकदम से बोल देते हैं कि माय टॉपिक इज दिस, माय टॉपिक इज न्यूज़पेपर एंड ऑल व्हाटएवर, बट ऐसे नहीं बोलते हैं कि डायरेक्ट टॉपिक नहीं बोलते हैं. इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि फिर लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. लोगों को लगता है अरे ये न्यूज़पेपर के बारे में बोल रहा है, ये तो हमें पता ही है. तो उसके बारे में सस्पेंस बनाते हैं. लाइक एक एग्जांपल, जैसे फ्रेंड्स टुडे आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच टचेज द लाइफ ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन हियर. आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज विच हैज रिवोल्यूशनाइज द लाइफ ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन. येस, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूज़पेपर. सो इस तरीके से अपना टॉपिक फर्स्ट आपको बताना है, क्रिएट करना है सस्पेंस, देन आपको अपना टॉपिक का नाम बताना है. तो ये रहा फर्स्ट स्टेप. और सेकंड स्टेप है रोल ऑफ न्यूज़पेपर या कंप्यूटर, जो भी आपका टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है उसका रोल क्या है हमारी लाइफ में. और थर्ड स्टेप है व्हाट इज न्यूज़पेपर या जो भी आपका टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग कि वो है क्या. तो फ्रेंड्स, दो तरह की मीनिंग होती है जिसमें एक होती है लिटरल मीनिंग, एक होती है सिंबॉलिक मीनिंग. तो थर्ड स्टेप में जो लिटरल मीनिंग है उसमें पूरा आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि वो एक्चुअली है क्या, उसका पूरा डेफिनेशन देनी पड़ेगी. और सेकंड सिंबॉलिक मीनिंग है जो उसमें आपको उसके सिंबल्स बताने हैं. लाइक मैंने न्यूज़पेपर टॉपिक सेलेक्ट किया है तो मैं उस पर बताऊँगी कि न्यूज़पेपर मीन्स नॉलेज, न्यूज़पेपर मीन्स इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन, न्यूज़पेपर मीन्स बिजनेस, न्यूज़पेपर मीन्स सेविंग्स. तो इस तरीके से आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग उसके सिम्बॉलिक मीनिंग बतानी है. एक होगी सिम्बॉलिक, एक हो गया लिटरल मीनिंग. तो थर्ड ये बताना है, थर्ड पॉइंट ये है व्हाट इज जो भी है आपका टॉपिक बताने के वो है क्या. और फिर फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम. फोर्थ पॉइंट में आपको ये बताना है कि वाई व्हेन एंड वेयर वी यूज न्यूज़पेपर. तो आपका जो ये टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कहाँ, कब और क्यों यूज़ करते हैं आप उस चीज़ को. ठीक है, तो फिफ्थ पे आते हैं. फिफ्थ में आपको बताना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर. तो जो भी चीज़ है उसके टाइप ज़रूर होंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग जो भी है तो उसके डिफरेंट टाइप्स आपको बताने हैं. जैसे न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर के जैसे डिफरेंट टाइप्स में बताऊँगी कि नेशनल न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़पेपर, टेबलॉइड ब्रॉडशीट, स्पोर्ट्स न्यूज़पेपर, बिजनेस न्यूज़पेपर एंड सो ऑन. और साथ साथ में आपको न्यूज़पेपर के एग्जांपल्स भी देने हैं ताकि लोगों को लगे कि अरे हाँ ये तो उस न्यूज़पेपर की बात कर रहा है, तो लोगों का ध्यान उससे आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपकी स्पीच की तरफ अट्रैक्ट होगा. लोगों को थोड़ा मज़ा आएगा आपकी स्पीच में अगर आप एग्जांपल्स भी उसमें डालेंगे. जैसे मेरा टॉपिक न्यूज़पेपर है तो मैं उसमें एग्जांपल डालूंगी, दैनिक जागरण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके, हिंदुस्तान टाइम्स. तो ये एग्जांपल्स मैं अपने टॉपिक में डालूंगी और आपका जो भी टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जांपल्स अपने स्पीच में डालेंगे. ओके, देन सिक्स पॉइंट पे आते हैं. सिक्स में है इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन.
तो जो भी चीज़ है इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, जो भी चीज़ है मेरे जैसे न्यूज़पेपर है, तो हमेशा अपने टॉपिक को बड़ा दिखाना है। जैसे इंडस्ट्री 6 पॉइंट में इंडस्ट्री लिखा हुआ है, तो उसमें मैं बता सकती हूँ कि न्यूज़पेपर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री एट प्रेजेंट टाइम। तो ऐसा करके हम अपने टॉपिक को बड़ा दिखा सकते हैं, और इम्पोर्टेंस है उसकी तो ज़रूर, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिलती होगी और एजुकेशन तो मिलती ही है, तो इसमें आप ये सब बताएंगे। और 7 पॉइंट में हम लिखेंगे इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ एट प्रेजेंट टाइम एंड इन फ्यूचर। ओके, तो इफ़ेक्ट कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंस हम बता रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके इफ़ेक्ट ज़रूर होंगे ह्यूमन लाइफ पे। लाइक न्यूज़पेपर हमेशा गुड इफेक्ट है उस न्यूज़पेपर के, बैड इफेक्ट तो नहीं है। और लाइक सोशल मीडिया, सोशल मीडिया इज़ अ गुड थिंग बट इसके बैड इफेक्ट्स भी हैं। तो इसमें आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर उसके बैड इफेक्ट्स हैं तो 7 पॉइंट में आप उसके बैड इफेक्ट्स भी लिख सकते हैं और इसके गुड इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। तो दोनों इफेक्ट्स आप इसमें दिखाइएगा ताकि थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़े आपकी स्पीच पे। ओके, 8th step इज कॉन्क्लूजन। सो 8th step इज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड मस्ट, कॉन्क्लूजन इज मस्ट। एंड कॉन्क्लूजन में हमेशा ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि लाइक एट लास्ट फ्रेंड्स आई वॉन्ट टू से दैट देर इज़ सो मच टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक बट ड्यू टू टाइम लिमिट आई वॉन्ट टू कॉन्क्लूड माई टॉपिक दैट। ओके, दैट के आगे आप अपना टॉपिक कॉन्क्लूड करेंगे, जो भी आपका पूरा समअप निकलेगा इस पूरी स्पीच का आप उसको कॉन्क्लूड करेंगे। तो ये था हमारा फॉर्मेट, 8 पॉइंट है इसमें, और ये फॉर्मेट है हाउ टू गिव अ पब्लिक स्पीच। एंड गाइज, इफ़ यू वॉन्ट टू सी द स्पीच ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, सो गो थ्रू द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो टू सी द स्पीच। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।